ठीक है क्या? आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, प्रोनाउन। बहुत मतलब बड़ा टॉपिक नहीं है, विशाल नहीं है, छोटा ही टॉपिक है। मतलब और टॉपिकों की अपेक्षा जल्दी हो जाएगा हमारा। लेकिन याद रखें, जब कोई टॉपिक शुरू कर रहे होते हैं, अगर उस दिन जो मेन कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया ना, वो जो चीजें समझ में आ गई, वो हमारा क्या है, उससे हमारी कनेक्टिविटी बनती है, सारा का सारा टॉपिक का एक लिंक बन जाता है, तो हमें समझ में आसानी से आ जाता है। अगर फर्स्ट डे से हम लोग कोई चीज को समझ रहे होते हैं, किसी भी टॉपिक के बारे में बात करें, देखो तो जब तक बेसिक नहीं समझ में आएगा उस टॉपिक का, उसका मेन यूज समझ में नहीं आएगा, तब तक हम लोगों को क्लियरिटी नहीं मिलेगी। तो शुरू करते हैं अपन लोग, देखते हैं प्रोनाउन। एक ऐसा वर्ड प्रोनाउन जिसको बारे में क्या है, ऑलमोस्ट कुछ रटी रटाई डेफिनेशन सब लोगों के पास में है, और हम स्कूल टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, कॉलेज टाइम में, स्कूल टाइम में हम लोगों ने काफी पढ़ी हुई है इनकी डेफिनेशन। डेफिनेशन हमें आती ही है, लेकिन उसको प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करके नहीं देखा है। जब तक आप क्या नहीं करोगे, इंग्लिश को लॉजिकली नहीं समझोगे ना, प्रैक्टिकली अगर उसको नहीं समझोगे, उस टॉपिक का, उस टॉपिक का यूज को, तब तक वो टॉपिक क्या है एग्जैक्टली क्लियर कभी होगा ही नहीं। ठीक है, और एक और चीज यहां पर, एक पॉइंट और है जो मेंशन करता हूं, विशेषकर हमें इस लाइफ में किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ना नहीं है। आपको किसी भी सब्जेक्ट को वीक पॉइंट नहीं बनाना, और इंग्लिश क्या है, उसको वीक पॉइंट में नहीं बनाना है। चाहे आप हिंदी मीडियम के हो, इंग्लिश मीडियम के हो, चाहे आपको इंग्लिश बोलना आता है नहीं आता है, लेकिन याद रखें, जब बात आएगी ग्रामेटिकल पोर्शन की, तो वहां पर सारे के सारे ही पैदल हैं। समझ रहे हो ना, ग्रामेटिकल पोर्शन में ऐसा नहीं है कि जो इंग्लिश मीडियम को बिलोंग करते हैं वो बहुत अच्छा कर लेंगे उसमें, क्योंकि रूल्स और रेगुलेशंस बहुत ज्यादा हैं, उनको बार बार ध्यान रखना पड़ेगा। किसी भी व्यक्ति के लिए इतना आसान नहीं होता है कि आप एक बार में पूरी की पूरी इंग्लिश को, सारी को एक बार में समझ कर, और बिल्कुल मतलब क्या है, सारी के सारी चीजों को एग्जैक्टली क्लियर कर लिया जाए, पॉसिबल नहीं है। हमें क्या करना पड़ेगा, टॉपिक भी एक बार में पढ़ लिया, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ये अच्छी बात है, परंतु आपको जब तक वो प्रैक्टिस में नहीं मिलेगा ना, तब तक आप उसको रिवाइज नहीं करोगे। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 10 बार अगर रिवाइज में नहीं आ रहा है ना वो, तब तक वो हमारे मतलब माइंड में उतनी लेवल पर फिट नहीं बैठेगा। तो जितना हो सकता है, अगर लाइफ में किसी भी चीज में हमें मास्टर बनना है, तो उसे रिपीट करें, सुने ज्यादा, देखें, बोलकर देखें, लिखकर देखें, लगाकर देखें, तभी उसके क्या है निष्कर्ष निकलेंगे। हमें, हमारे पास क्या है, उतना ज्यादा टाइम भी नहीं। इस बार लास्ट में मैं खुद ही तो ऐसा मतलब करने वाला हूं कि जैसे ही हमारा पूरे सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे ना, तो तुम्हें ज्यादा नहीं तो कम से कम 15-20 सेट पेपर लगवाए जाएंगे। ठीक है कि नहीं है? उससे क्या है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए, चाहे मुझे 1 महीना एक्स्ट्रा देना पड़े। हम लोगों ने इसलिए टारगेट हम लोगों ने सेट किया कि हम लोग बहुत जल्दी भी नहीं कर रहे हैं उसको, भाई 6 महीने लग जाए, लेकिन एक एक चीज पे क्या है फोकस किया जाए, समझ रहे हो ना। और कोशिश किया जाएगा कि ऐसे लास्ट के 1.5 से 2 महीने तुम्हें है केवल कॉम्प्रिहेंशन को दिया जाए, समझ रहे हो। अगर हमारा सिलेबस 4 महीने में कंप्लीट हो जाता है, तो हम 2 महीने किसको दिएंगे, केवल कॉम्प्रिहेंशन, उसके बाद तो तुम्हें आएगा। कॉम्प्रिहेंशन में क्या है, लेकिन इस चीज को समझो कि कॉम्प्रिहेंशन में भी हमें इन चीजों की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। मतलब हमारी टर्मोलॉजी क्लियर होना चाहिए, ग्रामेटिकल भी अगर हमारी, हमें चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही हैं, तो कोई ऐसी चीज होगी कि हमें इंग्लिश में कोई चीज आती है उसका हम लोगों को बेनिफिट नहीं मिलेगा, नेगेटिव पॉइंट होगा, कभी संभव ही नहीं, समझ रहे हो ना। तो क्या है, यहां पर भी गौर करते चलें। और एक और चीज, जिस एज में तुम हो ना, अभी तुम्हें पता नहीं है, तुम समझ ही नहीं पा रहे हो। अगर तुम वास्तव में स्टूडेंट हो, तो तुम इसे चीज की वैल्यू तुम्हें बहुत लेट समझ में आएगी। हम लोगों का मेंटल लेवल ग्रोथ नहीं हो रहा है, मेंटल ग्रोथ हो ही नहीं रही है एक्चुअली। हमें खाने पीने, कुछ नेचुरल जो काम है ना, उनको छोड़कर, सांस लेने के बाद में, यदि हमारी एज में अगर कोई सेकंड चीज की जरूरत है ना, तो वो हमारा एजुकेशन ही है, ध्यान रखना। और इस दुनिया में कभी ऐसा संभव नहीं होता कि आप सारे काम एक साथ में कर लो। आप बहुत अच्छा पढ़ भी लो, वह है ना, बहुत अच्छे स्पोर्ट्स भी खेल लो, है ना, आप क्या है लाइफ को बहुत ज्यादा एंजॉय भी कर लो, सारी चीजें एक साथ में नहीं हो सकती। जिम भी चले जाओ, बॉडी भी बना लो, सारी चीजें एक साथ में नहीं हो सकती। एक टाइम पर आप एक ही चीज कर सकते हो, अभी समझ रहे हो ना। तो कोशिश करें, चाहे संडे हो मंडे हो, तुम्हें ये ध्यान ही नहीं रहना चाहिए कि कल संडे है, क्या फर्क पड़ता है संडे है नहीं है, समझ रहे हो। तुम्हें कौन सा बिजनेस चल रहे हैं तुम्हारी, जो तुम है ना उसमें तुम्हें बहुत ज्यादा टाइम देना, हमें जहां पर नॉलेज मिल रही है वहां पर, इसमें कुछ जाता थोड़ी ना है, रिलैक्स ले सकते हो। वैसे भी तुम्हें क्या है, कोचिंग जाने के बाद में यहाँ पर क्या है, हमें रिलैक्स है ही, पर क्या जरूरत है रिलैक्स की भाई, जब जवानी में अगर रिलैक्स की जरूरत है, तो बुढ़ापे में थोड़ा हमें रिलैक्स ही रिलैक्स तो मिलना है कि नहीं। ध्यान से देखिए, हम स्टार्ट करते हैं हम लोग नए टॉपिक को, प्रोनाउन।
प्रोनाउन के बारे में यदि हम लोग, मैं तुम्हें बताऊं तो प्रोनाउन वर्ड है सर्वनाम, एक रटी रटाई डेफिनेशन सबके पास। और प्रोनाउन ऐसा नहीं है, कुछ प्रोनाउन ऐसे हैं जिनके नॉर्मल यूजेज जो हम लोगों को सब लोगों को आते हैं, लेकिन आज हम लोग इनके मेन कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि प्रोनाउन क्या चीज है। तो सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं कि प्रोनाउन क्या होते हैं, क्यों बनाए गए हैं, ऐसा इनमें क्या है। मैं तो कह रहा हूं जिस चीज की जरूरत नहीं है उसको हटा दिया जाए, लेकिन देखते हैं इसकी क्या जरूरत है। आप मुझे बताना कि प्रोनाउन यदि इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोनाउन ना होते तो इनका क्या होता, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज का क्या होता। तो एक व्यक्ति मतलब एक इसके प्रोनाउन के बारे में बात करते हैं। प्रोनाउन के बारे में बात करने के लिए एक सिंपल सी चीज है कि थोड़ी देर के लिए, अब इस अगर हम लोग वर्ड को तोड़े, अगर जो प्रोनाउन हमारा वर्ड है इसको थोड़ी देर के लिए हम लोग तोड़ दें तो ये दो वर्डों से मिलकर बना हुआ है, प्रो प्लस नाउन, प्रो प्लस नाउन। अब यहां पर देखें जो प्रो प्लस नाउन है ना, इसमें हमारा पहले क्या छुपा हुआ है, नाउन वर्ड छुपा हुआ है। नाउन की डेफिनेशन हम लोगों को मालूम है भाई क्या है, किसी भी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को हम लोग क्या बोलते हैं, नाउन कहते हैं। सीधा फंडा क्या है कि भाई इस दुनिया में कोई भी चीज आई उसका नामकरण किया गया, तो नामकरण हुआ तो क्या हुआ, उसका मतलब क्या है, नाउन है। अब प्रो वर्ड का मतलब क्या होता है, प्रो का मतलब यहां पर होता है फॉर, क्या होता है फॉर, क्या होता है फॉर, जिसका हिंदी मतलब क्या होता है, के लिए, क्या होता है के लिए। अब यहां पर देख लें नाउन यानी हमें मालूम ही है क्या, संज्ञा जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अब देखो क्या है कि ऐसे शब्द, प्रोनाउन जो वर्ड है ना डेफिनेशन में क्या लेकर आएंगे भाई, कि ऐसे शब्द जो हम नाउन के लिए बनाए गए हैं। क्या बोल रहा हूं फिर से देश को समझने की कोशिश करना, क्या बोलना चाह रहा हूं, ऐसे शब्द जो नाउन के लिए बनाए गए हैं, नाउन के लिए बनाए गए हैं मतलब वो नाउन नहीं है लेकिन नाउन की जगह पर उनको प्रयोग किया जाता है। क्या समझ में आया, नाउन की जगह पर उनको प्रयोग किया जाता है। अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग बात है, इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो नाउन है ना हमारा, अगर नाउन हम लोग बात करें तो किस किस को नाउन कहते हैं भाई, तीन चीजों को हम लोग नाउन कहते हैं। क्या है, कोई पर्सन के नेम को नाउन कहते हैं, कोई प्लेस का नाम है उसको नाउन कहते हैं, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस और थिंग्स नेम, या फिर कोई चीज है उसके नाम को हम क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। ऐसा ही है कि नहीं है, कोई चीज है उसके नाम को बोलते हैं। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात देखो कि ये तीनों शब्दों की जगह पर जितने भी शब्द हम प्रयोग कर सकते हैं, किसी इंसान की जगह पर हम लोग कौन कौन से शब्द हैं जिनको हम प्रयोग कर सकते हैं, है ना, जैसे कि हम लोग पर्सन के लिए क्या क्या यूज कर लेते हैं, ही यूज कर लेते हैं, सी यूज कर लेते हैं, दे यूज कर लेते हैं, समझ रहे हो। प्लेस यहां पर क्या है, अगर मैं कहूं वेयर, देयर, हेयर, ये वर्ड यूज करते हैं कि नहीं करते हैं, है ना। थिंग्स चीजों के लिए भी हम लोग क्या कर लेते हैं, इट, दिस, दैट, तो क्या है नाउन का मतलब क्या है कि ऐसे शब्द जो नाउन के लिए बनाए गए हैं, यानी कि नाउन को क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं। मैंने कहा मैं अशोकनगर जा रहा हूं, है ना, अशोकनगर इज द नेम ऑफ अ प्लेस, और मैंने अशोकनगर की जगह पर मैंने क्या बोल दिया कि बात चल रही है मैं वहां जा रहा हूं। अब अशोकनगर के नाम की जगह पर मैंने क्या यूज कर दिया, मैं वहां जा रहा हूं, तो वो वहां क्या है, प्रोनाउन है। यानी कि अगर हम लोग बोलें कि प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या होगी, द वर्ड विच रिप्लेस द नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन, या फिर दूसरा, बहुत सारी डेफिनेशन है हमारे पास में कि नाउन इज द मीन्स प्रोनाउन, द मीन्स द वर्ड विच वी कैन यूज इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन, ऐसा शब्द जो नाउन की जगह पर प्रयोग किया जाता है उसको प्रोनाउन कह रहे हैं। चाहे आप उसको इस तरीके से कह लो कि ऐसा शब्द जो नाउन की जगह पर प्रयोग किया जाता है नाउन को रिप्लेस कर देता है, नाउन की रिप्लेस करना मतलब क्या, उसकी जगह पर आ जाना, ठीक है कि नहीं है, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्रोनाउन कह रहे हैं। और तोड़ने के बाद में मैंने तुम्हें बता दिया कि ये प्रोनाउन वर्ड बना कैसे है, क्या ये बात ठीक है कि नहीं है, तो समझ रहे हो ना बात को, क्या बोल रहा हूं, द वर्ड विच रिप्लेस द नाउन, यहां पर लिख देता हूं क्या है, द डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन, द वर्ड विच रिप्लेस द नाउन, द वर्ड विच रिप्लेस द नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन, द वर्ड विच रिप्लेस द नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। ऐसा शब्द जो संज्ञा को क्या कर रहा है, नाउन को रिप्लेस कर रहा है, वो हमारा क्या है, प्रोनाउन। अब सोचने वाली बात जिसका मैं तुम्हें एग्जाम्पल दे रहा हूं कि चूंकि नाउन क्या है, तीन ही तरीके के होते हैं, नाउन क्या होते हैं, तीन ही तरीके के होते हैं, और यदि तीन तरीके के होते हैं यानी कि तीन ही तरीके से रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा भी अगर देखें
हम लोगों को कुछ गिने चुने प्रोनाउंस के नाउन मालूम होते हैं, हम लोगों को ये मालूम है। बहुत सारे लोगों को तो ये तक नहीं मालूम कि हियर और देयर प्रोनाउन ही है, बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं मालूम है कि दिस और दैट प्रोनाउन है, समझ रहे हो ना। और ये हिज भी क्या है, बचपन में मुझे क्या है, जब मैं छोटा था तो स्टार्टिंग में मुझे काफी ये मतलब मालूम ही नहीं हुआ था कभी कि देम और देयर के बीच में क्या डिफरेंस है, हिज और हिम के बीच में क्या डिफरेंस है। लेकिन यदि जब हम लोग प्रोनाउन का प्रयोग मतलब प्रोनाउन का यूज पूरे तरीके से पढ़ लेंगे तो इन डिफरेंसेस को हम पूरी तरीके से समझ जाएंगे कि देम और देयर के बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है कि नहीं है। इसके अलावा भी क्या है, कई तरह के प्रोनाउन होते हैं। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन वो ये है कि यदि इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोनाउन बनाए क्यों गए हैं भाई, इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोनाउन क्यों बनाए गए हैं, यहां तक ठीक है। आगे हमारा क्वेश्चन है कि प्रोनाउन क्यों बनाए गए हैं, अब दूसरा क्वेश्चन हमारे पास में है कि प्रोनाउन को की जरूरत क्या पड़ गई है, जो प्रोनाउन हमारे पास हैं उन प्रोनाउन्स को क्यों बनाया गया है ना, व्हाई द प्रोनाउन्स व्हाई द प्रोनाउन्स आर देयर, इनको बनाया क्यों गया है। एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन हमारे पास ये है, प्रोनाउन को बनाया क्यों गया है, तो इसको समझने की कोशिश करें कि प्रोनाउन को क्यों बनाया गया है। इसके लिए यहां पर हम लोग थोड़ी देर के लिए एक साइकोलॉजी को समझते हैं कि प्रोनाउन क्यों बनाए गए हैं। यदि हम किसी भी स्टोरी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी स्टोरी के बारे में बात कर रहे हैं या फिर कोई नॉर्मल बात चल रही है, उसमें हर बार ये मेंशन नहीं करते हैं। अगर मैं बोल रहा हूं मेरा नाम नीरज है तो मैं बार बार ये थोड़ी ना बोलूंगा नीरज कह रहा है, इट विल बी लुक ऑकवर्ड, ठीक है कि नहीं है। इसके अलावा क्वेश्चन क्वेश्चंस एंड आंसर्स, जब आप क्वेश्चन आंसर को फॉलो कर रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आंसर पढ़ रहे हैं, या फिर स्टोरी कोई स्टोरी पढ़ रहे हैं, कोई पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, या फिर कोई जनरल डिस्कशन कर रहे हैं, कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो वहां पर आप हर बार सामने वाले व्यक्ति का या खुद का नाम मेंशन नहीं करते हो, मेंशन नहीं करते हो। दूसरा, ऐसा साइकोलॉजी कहती है कि किसी को नाम से बुलाओ तो ज्यादा बढ़िया रहता, वो ज्यादा दिनों तक याद रहता, ऐसा साइकोलॉजी कहती है। लेकिन यहां पर एक और चीज है, जो वर्ड है वो ये है कि दुनिया में सबसे बुरी चीज, यदि हमारे पास अगर हम लोग बात करें तो एक इंसान के पास में पांच तरह के सेंस हैं, छह सेंस है हमारे पास ह्यूमन के पास में, और छह सेंसों के बारे में अगर हम लोग बात करें एक कॉमन सेंस को छोड़कर, हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, है ना, स्मेल कर सकते हैं, और क्या है, टच कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, हाँ, टेस्ट कर सकते हैं और सुन सकते हैं, ये हमारे पास पांच सेंस, मतलब पांच सेंस है। इनके बाद में छठवा कौन सा है, कॉमन सेंस। अगर छह ही कॉमन सेंसों को आराम से समझें अगर हम लोग, मैं तुम्हें इसको बताता हूं कि प्रोनाउन का इससे क्या लिंकअप है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। अगर ये छह ही सेंसों के बारे में बात करें तो एक कॉमन सी चीज है कि हम किसी भी चीज को हम डेली नहीं देख सकते, कि दुनिया की कितनी भी खूबसूरत चीज हो, जनरली क्या होता है, हम किसी गार्डन में जाकर या फिर किसी नेचुरल प्लेस पर जाकर जहां पर झरना बह रहा है, पानी है और है ना, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, ग्रीनरी है, तो उसको देखकर हमें बड़ा अच्छा अच्छा लगता है। लेकिन याद रहे, अगर आपको 24 घंटे उसी जगह पर रख दिया जाए, जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल, जब हम लोग गाँव में जाते हैं और वो हरियाली देखते हैं, बरसात का मौसम होता है, चारों तरफ हरियाली होती है, वी फील वेरी गुड, लोगों को बड़ा मजा आता है उसे देखकर। लेकिन याद रखना, वो कितने दिन तक अच्छा लगता है, हमें गांव की लाइफ थोड़ी देर के लिए चले जाए तो बड़ा मजा आता है चारों तरफ देख दाख के लोगों से मिलकर, लेकिन अगर तुम्हें अच्छा ही लग रहा है तो हम परमानेंट वहीं रख दें तो तुम क्या हो जाओगे, रह नहीं पाओगे। पता चला एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, इससे ज्यादा हम लोगों को बर्दाश्त नहीं होता होता, मतलब थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है। अगर किसी भी दुनिया की कोई भी मतलब नेचर का सीन, अगर आप उसको कोई भी एक जगह को डेली डेली घूमने जाओगे ना, तो आप
उसको झेल मतलब देख ही नहीं सकते। मतलब हमें चीजें क्या नहीं अच्छी लगती हैं, हम चीजों को रिपीट कर नहीं सकते, रिपीट नहीं कर सकते। रीजन क्या है, साइकोलॉजी ऐसा कहती है कि रिपीटेशन, रिपीटेशन ऑफ द साउंड ऑलवेज हर्ट्स, रिपीटेशन ऑफ द साउंड ऑलवेज हर्ट्स। एक ही चीज को हम बार बार क्या है सूंघ नहीं सकते, बार बार आप एक ही परफ्यूम डियो लगाओगे ना वो भी क्या है इरिटेट करने लगता है। आप किसी एक ही चीज को बार बार, ये जहां पर टच करने वाली बात तो है नहीं है, टेस्ट अगर मैं तुम्हें कहूं जैसे हम 7 दिन पे एक ही सब्जी को नहीं खा सकते, ठीक है कि नहीं है। वो चीज जो आपको मन पसंद है, जो आपको सबसे अच्छी लगती है, कोई भी ऐसी डिश के बारे में आप सोच लो, कोई भी ऐसी स्वीट के बारे में आप सोच लो जो आप डेली नहीं खा सकते, लेकिन याद रखना किसी एक ही चीज को, किसी एक ही स्टोरी को हम बार बार सुनकर भी नहीं सुन भी नहीं सकते। और यही चीज क्या है यहाँ पर प्रोनाउन में भी लागू होती है। कैसे लागू होती है इसके बारे में बात करता हूं। अगर मैं एक छोटी सी स्टोरी, यहाँ पर कोई भी एक छोटी सी स्टोरी है, जैसे मैं कहूं एक जनरल सी स्टोरी के बारे में हम लोग छोटी सी स्टोरी बनाते हैं कि ए और बी स्कूल जाते हैं, उसके बाद ए और बी क्लास में स्टडी करते हैं, उसके बाद ए और बी क्या है लंच करते हैं, उसके बाद क्या है ए और बी मार्केट से होते हुए घर आ जाते हैं, फिर ए और बी कोचिंग जाते हैं, फिर ए और बी। तो आपको ये बार बार जो नाम है ना वो रिपीटेशन करोगे ना तो अच्छा नहीं लगेगा, और अच्छा ना लगने की वजह से आप एक बार ही मेंशन कर दो कि ए और बी स्कूल जाते हैं, फिर वो वहां पर लंच करते हैं, उसके बाद वो क्लास अटेंड करते हैं, उसके बाद वो मार्केट जाते हैं, वहां से है ना घर आ जाते हैं, उसके बाद वो, तो समझ रहे हो ना, हम एक बार हम लोगों ने वहां पर नाम मेंशन किया है, 10 बार नाम मेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। प्रोनाउन यदि नहीं होता तो वो सब नाम का क्या है रिपीटेशन बहुत ज्यादा होता, और रिपीटेशन किसी चीज का ना ज्यादा हो, वो इरिटेट ना करे, मतलब बुरा ना लगे, इसलिए भी क्या बनाए गए हैं प्रोनाउन बनाए गए हैं। क्या ये बात ठीक है, समझ गए हो? तो एक चीज हमारी क्या हो गई कि हम लोग रिपीट नहीं कर सकते, इस वजह से भी क्या है बार बार किसी स्टोरी में क्या ना हो, किसी भी स्टोरी में बार बार कोई शब्द क्या ना हो रिपीट ना हो। इसीलिए कॉन्वर्सेशन में भी क्या है आप खुद का नाम या दूसरे के नाम को बार बार क्या है रिपीट नहीं कर सकते। अब यहां पर बात करें अगर प्रोनाउन नहीं होते तो क्या होता, प्रोनाउन जो हम क्वेश्चन वर्ड यूज करते हैं, क्वेश्चन वर्ड कौन कौन से हमारे पास, व्हाट, व्हिच, वेयर, हाउ, व्हेन, ठीक है कि नहीं है, और भी बहुत सारे हैं, व्हाट टाइम है ना, हाउ मच, हाउ मेनी, ये सारे के सारे जो क्वेश्चन वर्ड है ना ये क्या है, ये प्रोनाउन ही है। क्या है ये प्रोनाउन है, क्या है प्रोनाउन है। यदि प्रोनाउन नहीं होते इंग्लिश लैंग्वेज में तो आप क्वेश्चन ही नहीं कर पाते। मतलब ये कहते हैं कि एक इंटेलिजेंट व्यक्ति वो नहीं है, इंटेलिजेंट व्यक्ति वो बिल्कुल नहीं है जो बहुत अच्छे आंसर देता है, इंटेलिजेंट व्यक्ति वो है जो बहुत अच्छा क्वेश्चन क्रिएटर है, जिसके दिमाग में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, जो हमेशा किसी भी चीज को लेकर क्या है क्वेश्चन बना ही रहता है। लाइफ इज ऑल अबाउट क्या है लर्निंग। कभी भी कोई व्यक्ति यदि ये कह रहा है ना कि मुझे सब कुछ आता है या मुझे बहुत कुछ आता है, वो हमेशा कंपटीशन देने वाली बात कर रहा है या उसको ईगो है। पढ़ाई के चक्कर में जिस व्यक्ति को अगर मतलब कभी ऐसा लग रहा है ना इसे बहुत कुछ आता है, रियल बात यह है कि जब आपको सही तरीके से पढ़ोगे तो तुम ये खुद से भी रियलाइज कर लोगे कि तुम्हें बहुत कुछ नहीं, तुम्हें कुछ भी नहीं आता है। और एक सेंटेंस तुमने सुना होगा कि बहुत कम लोग जानते हैं कि वो बहुत कम जानते हैं, ये बात को भी बहुत कम लोग जानते हैं, ठीक है कि नहीं है। मतलब ये है कि आपके अंदर अगर हम प्रोनाउन टॉपिक इंग्लिश में नहीं होता तो लोग अपनी क्रिएटिविटी को जाहिर ही नहीं कर पाते, क्वेश्चन वर्ड ही नहीं होते। अब जब आप क्वेश्चन पूछोगे ही नहीं तो सामने वाला व्यक्ति क्या है आंसर देगा ही नहीं, और जब क्वेश्चन आंसर ही नहीं होंगे तो लैंग्वेज होगी ही नहीं। मतलब बिना प्रोनाउन के लैंग्वेज का बनना क्या है इज इट मींस ऑलमोस्ट क्या है इम्पॉसिबल। आप पास की चीजों को दर्शाने के लिए क्या है जैसे दिस का प्रयोग करते हैं, दूर की चीजों को दर्शाने के लिए क्या है दैट का प्रयोग करते हैं। अगर ये प्रोनाउन इंग्लिश लैंग्वेज में होते ही नहीं तो आप पास और दूर की चीजों को दर्शा ही नहीं पाते, समझ गए हो? जिन चीजों पर आप क्या बता रहे हैं अपना अधिकार दर्शा रहे हैं, अधिकार दर्शा रहे हैं मतलब पोजीशन दर्शा रहे हैं, अधिकार दर्शा रहे हैं कि दिस इज माय कार, दिस इज माय कार, तुम बोल ही नहीं पाते ये अगर प्रोनाउन नहीं होता कि ये मेरा मेरी कार है, अधिकार आप बता ही नहीं कर पाते। तो ऐसा नहीं है कि प्रोनाउन के नाम पर अगर हम लोग केवल ये सोचें कि ही सी और इट इनको अकेला प्रोनाउन कहते हैं, जी नहीं। प्रोनाउन अभी क्या है, प्रोनाउन 9 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? 9 तरह के प्रोनाउन होते हैं, और 9 ही तरह के प्रोनाउन को हम लोग क्या है
अच्छे से पूरी तरीके से डीप तरीके से क्या उनको समझें। यहां तक ये बात ठीक है क्या? तो समझ गए, पहला प्रोनाउन की डेफिनेशन समझ में आ गई, दूसरा हमें ये भी समझ में आ गया कि प्रोनाउन क्या है, क्यों बनाए गए हैं, ये बात ठीक है। थर्ड हम लोग चलते हैं कहां पर, कि अब ये प्रोनाउन जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। थर्ड हमारे पास क्या है, जो प्रोनाउन हमारे पास हैं वो कितने प्रकार के हैं, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के बारे में बात करते हैं कि ये प्रोनाउन कितने तरह के हैं। भाई प्रोनाउन का मतलब ये नहीं है कि प्रोनाउन केवल और केवल एक तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? एक तरह के होते हैं। मैं आपको इंग्लिश में यहाँ पर प्रोनाउन्स के नाम बता दूंगा, हिंदी में आप भी उनको क्या है लिखते चलना है ना, ठीक है कि नहीं है। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन को आप मेरे साथ में क्या करते चलना, लिखते चलना। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन कितने तरह के होते हैं? काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में हम लोग पहले प्रोनाउन के बारे में बात करें। पहला हमारा कौन सा प्रोनाउन है? पर्सनल प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन है? पर्सनल प्रोनाउन्स। पर्सनल प्रोनाउन जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक सर्वनाम। क्या बोलते हैं भाई? व्यक्तिवाचक सर्वनाम। दूसरा हमारे पास है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कौन सा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का ही दूसरा नाम क्या होता है? सेल्फ प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को ही दूसरा क्या बोलते हैं हम लोग? सेल्फ प्रोनाउन बोलते हैं। दूसरा हमारा जो सेल्फ प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जिसका दूसरा नाम क्या है? सेल्फ प्रोनाउन। इसी को हम लोग और क्या बोलते हैं? निजवाचक क्या बोलते हैं? निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। सबसे पहले आया हमारा पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा हमारा कौन सा है? सेल्फ प्रोनाउन जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, उसी का नाम क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तीसरा हमारा होता है डेमोंस्ट्रेटिव। कौन सा होता है? डेमोंस्ट्रेटिव। डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोंस्ट्रेटिव के बाद में चौथा हमारा होता है डिस्ट्रीब्यूटिव। डेमोस्ट्रेटिव जिसको, डेमोस्ट्रेटिव को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? संकेतवाचक। क्या बोलते हैं? संकेतवाचक। तो रेड पेंसिल। डेमोस्ट्रेटिव हो गया। इसके बाद में हमारा कौन सा अगला? रिलेटिव। अगला प्रोनाउन हमारा कौन सा? रिलेटिव प्रोनाउन। प्रोनाउन में देखो पांचवा हमारा कौन सा है? रिलेटिव प्रोनाउन। इसके बारे में मैं तुम्हें बताऊंगा एक और सब इंटरेस्टिंग चीज है। सिक्स्थ वन,
सिक्स वन कौन सा है? इंडेफिनिट। इंडेफिनिट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जिसको क्या बोलते हैं? विभागवाचक, रिलेटिव प्रोनाउन संबंधवाचक, इंडेफिनिट प्रोनाउन अनिश्चयवाचक। सातवा, सातवा हमारा कौन सा होता है? इंटरोगेटिव प्रोनाउन। लिखते चलो आराम आराम से। यहां पर लिख देता हूं एट, इम्फैटिक प्रोनाउन, और लास्ट वन नाइन्थ वन हमारा कौन सा है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। नाउ लुक एट हियर, होपफुली डन, फटाफट लिख लो। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में हम लोग बात कर रहे हैं, कितने तरह के प्रोनाउन है हमारे पास? 9 तरह के। याद रखें, इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो मॉडर्न इंग्लिश है अभी क्या हो गया है, इसमें प्रोनाउन जब आप अभी नया पढ़ोगे प्रोनाउन, तो उसमें क्या है, 10 तरह के भी प्रोनाउन आप लोगों को मिल जाएंगे। हुआ क्या है, पर्सनल प्रोनाउन में भी 4 तरह के होते हैं अंदर, और जो 4 तरह के होते हैं उसमें से एक जो है ना पजेसिव प्रोनाउन, उसको एक्स्ट्रा छोड़कर क्या कर दिया है, अलग कर दिया है। तो अपन उसको अलग नहीं करेंगे, पढ़ेंगे जरूर, जो कि क्या है रिलेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत ही हमें मिलेगा, तो हम उसको पढ़ेंगे जरूर, लेकिन याद रखें वो हम लोग 9 तरीके से कर देंगे। आजकल तुम्हें कुछ चीजें मिल जाएंगी, यहाँ पर कुछ लोग आपको 10 तरीके के भी बता रहे हैं, हम पढ़ेंगे 10 ही तरीके के, क्योंकि जो पजेसिव प्रोनाउन है वो किसके अंतर्गत आ जाते हैं? हमारे पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है कि नहीं है, जिसको 10वां तरीका बना दिया है आजकल। अब यहां पर देखें एक बार सारे के मैं नाम आपको बता देता हूं, क्या बोल रहा हूं, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में हमारे पास कौन कौन से हैं? पर्सनल प्रोनाउन, जिसको क्या बोलते हैं अपन लोग हिंदी में, व्यक्तिवाचक, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या सेल्फ प्रोनाउन। सेल्फ का मतलब ही क्या होता है भाई? निज, निजवाचक सर्वनाम। अब यहां पर डिमोन्स्ट्रेटिव जो वर्ड है, डिमोन्स्ट्रेटिव यानी क्या? संकेतवाचक। क्या? संकेतवाचक। डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूट करना, विभाग करना, तो क्या हो जाएगा? विभागवाचक। तो एक तरह के प्रोनाउन नहीं होते हैं, कौन कौन से हमारे? डेमोस्ट्रेटिव, जो संकेत को बताते हैं वो कौन से कहलाएंगे हमारे? डेमोस्ट्रेटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव कौन से कहलाएंगे? डिस्ट्रीब्यूट का मतलब ही क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इज द वर्ड कम्स फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूट, इसका मतलब क्या होता है? विभाग कर देना, विभागवाचक। अगला हमारा कौन सा है? रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन का काम क्या होता है? रिलेटिव मतलब वर्ड हम लोगों ने सुना है, हम सब लोगों के क्या होते हैं? रिलेटिव होते हैं। तो रिलेटिव प्रोनाउन यानी क्या? जो क्या है, रिलेशन बताने का काम कर रहा हो, है ना, संबंध बताने का काम कर रहा हो, रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। इंडेफिनिट प्रोनाउन हम लोग क्या है? जो अनिश्चयवाचक है, जिसमें हम लोगों क्या आ जाएंगे? नो वन, समवन, एनीबॉडी, नोबॉडी। रिलेटिव प्रोनाउन में राम इज द बॉय हु डजंट नो एनीथिंग, राम वो लड़का है जो कुछ नहीं जानता है। इंटरोगेटिव प्रोनाउन में मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि क्वेश्चन वर्ड हमारे आ जाते हैं सारे के सारे, ठीक है। और हमारा क्या है? एम्फैटिक प्रोनाउन। एम्फैटिक प्रोनाउन क्या होता है एक्चुअली? एम्फसाइज, वर्ड आप लोगों ने सुना होगा। एम्फसाइज मतलब क्या होता है? किसी भी चीज पर जोर डाल देने को क्या बोलते हैं? एम्फसाइज कर देना बोलते हैं। तो वहीं से ये वर्ड आया है, एम्फसाइज कर देना। क्या है? जब सेल्फ प्रोनाउन पर क्या कर दिया जाने लगे? जोर डाल दिया जाने, मतलब आई हैव डन दिस वर्क माय सेल्फ। यहां पर जब सेल्फ प्रोनाउन पर क्या डाल दिया जाए? जोर डाल दिया जाए, तो सेल्फ प्रोनाउन ही किसमें कन्वर्ट हो जाता है? एम्फैटिक प्रोनाउन में। बचा हमारा रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल में केवल दो वर्ड होते हैं हमारे पास, कौन कौन से? ईच अदर और वन अनदर। ये हमारे दो कौन से होते हैं? रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं। कौन कौन से? ईच अदर और वन अनदर। ठीक है, ईच अदर और वन अनदर हमारे कौन से हैं? तो हमारे रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। अब हम इनके बारे में बात करते हैं। आज हम लोग केवल एक प्रोनाउन को पढ़ते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोनाउन में से है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा सारे के सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वो ठीक है, लेकिन एक ऐसा प्रोनाउन जो क्या है हमारी स्पोकन इंग्लिश में, कॉम्पिटिशन में, रिटर्न में, ग्रामेटिकल में, हर जगह पर सबसे ज्यादा यूज होता है, उसके बारे में यदि मैं तुम्हें बताऊं तो कौन सा है? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन कैसा है? जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला प्रोनाउन, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक। और हम लोग क्या है, एक एक करके अब सारे के सारे प्रोनाउंस को हम लोग पढ़ते चलेंगे। मैं ये भी बताता चलूंगा कि तुम्हें एग्जाम में ये किस तरीके से प्रयोग किए जाते हैं,
और किस तरीके से यहां पर हम लोगों को क्या है क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं आज क्या, पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, क्या पर्सनल प्रोनाउन स्टार्ट करें? हाँ हाँ परस्पर वाचक प्रोनाउन का हम लोग सबसे पहला प्रोनाउन का हम लोग सबसे पहला प्रोनाउन कौन सा पढ़ने वाले हैं आज? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन जिसको हिंदी में क्या बोल रहे थे अपन लोग? व्यक्तिवाचक सर्वनाम। क्या बोल रहे थे? ठीक, पर्सनल प्रोनाउन। अब पहले ये समझ लो कि पर्सनल प्रोनाउन होते क्या हैं। अगर पर्सनल प्रोनाउन तुम्हें ये समझ में आ गया पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं, तो आपकी समझ में आ जाएगा पूरा का पूरा लॉजिक समझ में आ जाएगा। ठीक है कि नहीं? पर्सनल प्रोनाउन की डेफिनेशन लेते हैं हम लोग। तो डेफिनेशन लेने के लिए हम लोगों को पहले क्या करना पड़ेगा, इसके जड़ तक जाना पड़ेगा। एक सेंटेंस का हम लोग एक उदाहरण लेते हैं। मैं यहां पर एक सेंटेंस लिखता हूं, राम इज ट्राइंग टू सेव मोहन। इस सेंटेंस का मतलब है कि राम क्या है, श्याम को क्या कर रहा है, मोहन को बचाने की कोशिश कर रहा है। राम इज ट्राइंग टू सेव मोहन। ठीक है, अब इस सेंटेंस में तुम देखो जो राम है वो क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट। इसमें हमारा इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ट्राइंग क्या है, मेन वर्ब है। टू क्या है, हमारा प्रीपोजिशन है। क्या है? प्रीपोजिशन है। टू प्लस वर्ब जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इन्फिनेटिव भी है। ठीक है, इसको हम लोग छोड़ देते हैं फिलहाल इस वाले को। अब अगर आप बात करें हम लोग किसके बारे में, मोहन के बारे में, तो मोहन वर्ड है। मोहन वर्ड क्या है इसमें, मोहन वर्ड क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट। मतलब इससे तुम इस तरीके से इसको समझने की कोशिश करो कि किसी भी एक सेंटेंस में, यदि हम बात करें किसी भी एक सेंटेंस में जो नाउन है, क्या है, नाउन है, वो कहां कहां पर प्रयोग किया जा सकता है। या तो जो नाउन होगा वो क्या होगा भाई, सब्जेक्ट होगा। क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। या फिर जो नाउन है वो क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। मतलब सेंटेंस में नाउन का प्रयोग सबसे ज्यादा कहां किया जाता है, एज अ सब्जेक्ट के रूप में और एज अ ऑब्जेक्ट के रूप में। ऐसा ही कुछ है कि नहीं है, समझ रहे हो ना? बीच में हमें एडजेक्टिव्स और भी अदर सारे वर्ड्स मिल रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा यदि नाउन का प्रयोग किया जाता है तो वो कहां किया जाता है, या तो सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, या फिर किसके रूप में प्रयोग किया जा रहा है, ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। अब यहां पर ध्यान रखें क्या कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, कि ऐसे प्रोनाउन। अब दूसरा हम लोग ये भी बोल रहे हैं कि जो नाउन है ना, इसी को क्या करता है, रिप्लेस करता है। कौन? प्रोनाउन। इसी को क्या करता है, रिप्लेस करता है हमारा क्या, प्रोनाउन। ऐसा ही तो है, यही तो बोल रहा था मैं। तो यानी क्या है, सीधी भाषा में अगर हम लोग बात करें तो पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं भाई? पर्सनल प्रोनाउन का मतलब है कि द वर्ड विच वी कैन यूज मीन्स विच रिप्लेस सब्जेक्ट एज वेल एज ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। ऐसा शब्द, ऐसा प्रोनाउन जो क्या करता है, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पर प्रयोग किए जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, पर्सनल प्रोनाउन है। क्या ये बात समझ में आई? अब यहां पर इस सेंटेंस को अगर हम लोग रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ही इज ट्राइंग टू सेव हिम। ऐसा ही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ऐसा ही हो जाएगा। यहां पर मोहन किसमें कन्वर्ट हो गया, हिम में, और राम किसमें कन्वर्ट हो गया, ही में। तो यानी कि सेंटेंस में क्या था, ये यहां पर जो ही है वो किसके तरीके से यूज किया जा रहा है, सब्जेक्ट के तरीके से। हिम है वो सेंटेंस में किसके तरीके से यूज किया जा रहा है, एज अ ऑब्जेक्ट के तरीके से। तो यहां पर यदि पर्सनल प्रोनाउन की जो डेफिनेशन है वो क्या कह रही है, कि ऐसे प्रोनाउन जो वाक्य में क्या करते हैं, सब्जेक्ट के और ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं। इसके अलावा भी यहां पर एक और छोटी सी चीज है जो हम लोग मेंशन करना चाहते हैं। अगर मैं यहां पर कुछ ऐसा बोलूं
एक सेंटेंस और मैं लिखता हूं यहां पर, अगर मैं यहां पर ऐसा बोलूं कि दिस इज राम्स, दिस इज राम्स कार, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, कार ऑफ राम, दिस इज द कार ऑफ, इस तरीके से बोल सकते हैं कि नहीं, दिस इज द कार ऑफ राम। अब यहां पर क्या है, ये जो कार है ये किसकी है, राम की है, राम पर इसका क्या बताया जा रहा है, अधिकार बताया जा रहा है, ऐसा है कि नहीं, अधिकार बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं। या फिर इस तरीके से बोल दें, सेंटेंस को चेंज कर दें थोड़ा सा, यहां पर प्रीपोजिशन के थ्रू कर रहा था मैं, पोजिशन दर्शा रहे हैं, हम पोजिशन दर्शाने के लिए कैसा भी सेंटेंस बोल सकते हैं कि दिस इज माई कार। अब यहां पर क्या है, ये जो कार है वो किसकी है, मेरी है। तो पर्सनल प्रोनाउन में थोड़ा सा एडिट करना है, यहां से हम लोगों को डेफिनेशन क्लियर हो जाना चाहिए पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं, कि ऐसे प्रोनाउन जो किसी सेंटेंस में, या ऐसे शब्द जो किसी सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन की जगह पर प्रयोग किए जाते हैं, और उसके साथ साथ नाउन या प्रोनाउन का संबंध दूसरी शब्दों से भी क्या है, बताते हैं, या फिर उनका क्या है, अधिकार बता रहे होते हैं, पोजीशन बता रहे हैं, दूसरे शब्दों से क्या है, निकटता बताने का काम भी कर रहे होते हैं, उनसे क्या है, जोड़ने का काम भी कर रहे होते हैं, निकटता बताने का काम भी कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताऊंगा अभी, ऐसे भी प्रोनाउन है हमारे पास, ठीक है कि नहीं है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, पजेसिव मतलब क्या है, पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं, आएंगे हमारे आगे एग्जाम्पल में। मैं तो मैं इसका क्या करता हूं, अभी चार्ट बताता हूं, पूरी सारणी को हम लोग अच्छे से समझते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन के बारे में यदि हम लोग बात करें, तो ऐसा अकेला नहीं है कि पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है वो ही अकेले हैं, ये ठीक है, ये डेफिनेशन बढ़िया है, लेकिन उसमें और क्या हम लोगों ने ऐड कर रहे हैं कि पर्सनल प्रोनाउन और कौन से होते हैं, ऐसे प्रोनाउन भी पर्सनल प्रोनाउन है जो क्या है, दूसरी वस्तुओं से निकटता या संबंध बताने का काम करते हैं, दूसरी जो सेंटेंस के वर्ड्स है ना, या दूसरी चीजें हैं उनसे क्या कर रहे हैं, निकटता बताने का काम भी कर रहे हैं। अब यहां पर आप क्या करें, एक चार्ट सारणी बना लें पर्सनल प्रोनाउन की एक सारणी होती है, और ये सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है, ये सारणी बना लें आप भाई, चार्ट ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, ये सबसे ज्यादा यूज होने वाले प्रोनाउनों में से एक है, क्या है, सबसे ज्यादा यूज होने वाले प्रोनाउनों में से एक होगा, आज मैं तुम्हें डिफरेंस बताता हूं कि देम और देयर के बीच में क्या डिफरेंस होता है। Them or their, his or और ध्यान रखें, ये क्या है, ये सारणी पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत आती है, किसके अंतर्गत आती है, पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत आती है। तो सबसे पहले इसमें बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, सबसे पहला इसमें होता है हमारा कौन सा, सब्जेक्टिव प्रोनाउन, कौन सा होता है, सब्जेक्टिव, ठीक है, इसी को दूसरा नाम क्या बोल देते हैं, नॉमिनेटिव भी बोला जाता है। दूसरा हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव है, कौन सा है, ऑब्जेक्टिव, एग्जीक्यूटिव केस भी बोला जाता है। तीसरा हमारा होता है पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव, ये चार्ट हम लोगों ने नाउन के टाइम पर भी देखा था, इफ यू कैन रिमेंबर, लेकिन यहां पर प्रोनाउन के टाइम पे हम इसको और अच्छे समझ लेंगे। और लास्ट वन हमारा है पजेसिव प्रोनाउन, ठीक है, ये हमारे हैं, सब्जेक्टिव यानी कि जिसको क्या बोल रहे हैं, नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन। अब इस चार्ट को देखते हैं हम लोग, आई एज अ ऑब्जेक्ट, आई किस में प्रयोग किया जाता है, मी में, एज अ पजेसिव एडजेक्टिव हमारा क्या है, माय, और फोर्थ वन हमारा क्या है, माइन,
इसके बाद में हमारा आया अगला क्या, यू। इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, यू ही होता है। इसके बाद में अगला हमारा यहां पर क्या है, योर, और यहां पर क्या हो जाता है वो योर्स। अगला हमारा क्या है, ही विल कन्वर्ट। ऑब्जेक्टिव फॉर्म में किसके तरीके से यूज किया जाता है, हिम। ही को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्या यूज करते हैं, हिम। इसका पजेसिव एडजेक्टिव हमारे पास है हिज, पजेसिव प्रोनाउन हमारे पास है क्या, हिज ही होगा। अगला क्या है, शी। इसके बाद में क्या है हमारे पास, हर। इधर क्या हो जाएगा इसका, हर, और लास्ट में क्या हो जाएगा, हर्स। वी, वी का हमारा ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, अस। इसका पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, अवर, और पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, अवर्स। दे क्या होता है ऑब्जेक्टिव फॉर्म, देम। इधर क्या होता है, देयर, और इधर क्या है हमारा, देयर्स। अब मैं तुम बताऊंगा यहां पर इनकी एस की वैल्यू भी क्या है, थोड़ा सा और इसको बड़ा करते हैं। इसके बाद हमारा आया क्या, इट। इट का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, इट ही होता है। का यहां पर क्या होता है, इट। इट और इट्स, पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है इसका बताओ, इट्स। और एक और होगा इसके अलावा भी, इट्स, और यहां पर भी क्या है हमारा, इट। अब मुझे ये बताओ इसके आद में हम लोगों ने क्या है, क्वेश्चन वर्ड पढ़े हुए थे, तो इसको मैं एक्स्ट्रा लिख रहा हूं यहां पर, रेड पेन से लिख रहा हूं, इसको ध्यान से देखना। ये मैं यहां पर क्या, हमारे पजेसिव ये आ गए हैं, देखो आप लोगों ने हु के बारे में देखा होगा, हु जो है ना वो सब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्ट मतलब क्या है, नॉमिनेटिव केस में रखा जाता है। इसका हु का ही जैसे कि आई का ऑब्जेक्टिव वर्जन मी है, यू का मतलब ही का हिम है, कुछ वैसे ही हु का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, हुम होता है। डिफरेंस कर पाना, और ध्यान रखे कि जो इसका हुम का पजेसिव एडजेक्टिव अगर हम लोग बात करें हु का, तो क्या होता है, हुज। जिस क्वेश्चन वर्ड बना रहे होते हैं ना हम लोग, और ये पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन दोनों ही सेंस में हम लोग क्या यूज करते हैं, हुज के सेंस में ही यूज करते हैं। अब यहां से हम लोग क्या है इनका एक एक जो हेडलाइन है ना उसको क्लियर करते हैं कि ये क्या होते हैं, इनका क्या मतलब, समझ रहे हो, सारों को पूरी तरीके से क्लियर कर समझने की कोशिश करते हैं। ये चारों तरह के जो प्रोनाउन है ना ये हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, ये चार्ट पूरा का पूरा किसके अंतर्गत आता है, पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पर जो ऊपर जो चीजें लिखी हुई है ना इनको समझना बहुत जरूरी है, किसको, सब्जेक्टिव नॉमिनेटिव ऑब्जेक्टिव पजेसिव एडजेक्टिव पजेसिव प्रोनाउन, इनको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये सबसे ज्यादा यूज होने वाली चीजें हैं, जो यूज होती ही रहती। ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझें, फिर इसको मैं बताता हूं कि प्रोनाउन का क्या यूज है, प्रोनाउन क्यों जरूरी है, हम क्यों आप लोगों को प्रोनाउन ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। थोड़ी देर के लिए हम लोग क्या है नरेशन के बारे में बात करते हैं, फॉरेन शॉर्ट में। नरेशन दो तरह के होते हैं भाई, कौन कौन से, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होते हैं, इनमें ये दो चीजें परिवर्तन होती हैं। जब डायरेक्ट का मतलब क्या होता है, नरेशन का मतलब होता है कोई भी सेंटेंस, अगर मैं सिंपल एक सेंटेंस बोलूं, राम सेड टू मोहन, यहां देखो एक सेंटेंस मैंने लिखा, राम सेड टू मोहन, या राम सेड टू मी, क्या उसने कहा, आई केम हियर विथ यू, ये सेंटेंस ठीक है, आई केम हियर विथ यू, राम ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे साथ यहां पर आया था। अब इसको तरीके से समझने की कोशिश करना तो तुम्हें ये प्रोनाउन की वैल्यू समझ में आएगी, प्रोनाउन एक्चुअली में क्यों है, अगर हम प्रोनाउन को समझना हमें कितना जरूरी है। तुम इसमें मुझे बताओ कि यहां पर होता क्या है, नरेशन क्या होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का क्या मतलब होता है। देखो नरेशन का मतलब होता है कोई भी सेंटेंस, कोई भी स्टेटमेंट
किसी भी प्राणी के द्वारा, किसी भी वक्ता के द्वारा, किसी भी स्पीकर के द्वारा क्या है, कोई भी सेंटेंस बोला जाता है, स्टेटमेंट दिया जाता है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, नरेशन कहते हैं, नरेट किया उसे। अब ये डायरेक्ट कब होता है, जब किसी भी स्पीकर के द्वारा, स्पीकर का मतलब यहां पर स्पीकर कौन है, राम ने मुझसे कहा, स्पीकर कौन है, राम है, राम हुआ कि नहीं हुआ, तो किसी भी मतलब क्या है, वक्ता के द्वारा बोले गए वाक्य को उसी की भाषा में बोल देना, उसी की भाषा में बोल देना क्या होता है, हमारा डायरेक्ट नरेशन होता है। और वक्ता के द्वारा बोले गए वाक्य को अपनी भाषा में बोल देना, मोल्ड करके बोलना, तोड़ के बोलना, अपने हिसाब से बोल देना, वो क्या होता है, इनडायरेक्ट नरेशन होता है। क्या ये बात ठीक है? ठीक है। अब यहां पर क्या होता है, इसकी पहचान होती है, कुछ पहचान क्या है मैं तुम्हें बता देता हूं। यहां पर देखो, जो स्पीकर के द्वारा जो सेंटेंस बोला जाता है ना, उसको इन्वर्टेड कॉमा के भीतर रखा जाता है, और इन्वर्टेड कॉमा के भीतर रखा जाता है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं, है ना। और इन्वर्टेड कॉमा के जो बाहर वाला सेंटेंस होता है ना, दिस वन, ये हमारा क्या होता है भाई, रिपोर्टिंग क्लॉज कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग क्लॉज कहते हैं। और रिपोर्टिंग क्लॉज में ये जो वर्ब यूज हो रही है ना, इसको क्या बोला जाता है, रिपोर्टिंग वर्ब बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रिपोर्टिंग वर्ब बोला जाता है। क्या ये बात ठीक है? अब इसी सेंटेंस को हम तुम अच्छे से तरीके से समझने की कोशिश करना, प्रोनाउन में क्या जरूरत पड़ती है। राम सेड टू मी, अब देखो आज कितनी डेट है, आज आप देखो 12 तारीख है ना, 12 तारीख है कि नहीं है, 12 तारीख को राम मुझसे मिला और राम ने मुझसे क्या बोला कि मैं तुम्हारे साथ यहां पर आया हूं, तुम्हारे साथ मैं यहां पर आया हूं। अब मुझे ये बताओ, यहां पर ये जो बोला गया है, यहां पर जो आई है वो कौन है, कौन है आई, राम है कि नहीं है। राम ने मुझसे कहा कि मैं यहां तुम्हारे साथ आया हूं, तो आई कौन है, राम है। अब ये बताओ यू कौन है, यू मैं हूं, जिससे बोला गया, जिससे भी बोला गया वो कौन है, यू है, ऐसा है कि नहीं है। अब क्या करना है, इनडायरेक्ट नरेशन तुम बनाओगे तो अब क्या है, 10 दिन बाद तुम इस सेम सेंटेंस को क्या है, अपने तरीके से मोल्ड करोगे, अपने तरीके से मोल्ड करोगे तो क्या बोलोगे। अगर तुमने सीधा का सीधा बोल दिया कि राम ने मुझसे कहा था कि मैं यहां आया हूं तुम्हारे साथ, तो अगर मान लो ये 10 दिन बाद कितनी तारीख हो गई, 22 तारीख, तो ये जो बात थी आज बोली गई थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, पास्ट में कन्वर्ट हो गई कि नहीं, पास्ट में चली गई कि नहीं बोली, है ना, पास्ट में चली गई। और पास्ट में चली गई यानी कि जो टेंस था वो कहां चला गया, पास्ट में चला गया, समझ रहे हो बात को, टेंस कहां चला गया, पास्ट में चला गया। अब यहां पर बात करें, जब इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं तो क्या करते हैं, देखो यहां पर इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं तो इसका क्या हो जाता है, सेट टू जो है वो किस में बदल जाएगा, टोल्ड में बदल जाएगा, राम टोल्ड मी, लेकिन इन्वर्टेड कॉमा को हटाते हैं तो यहां पर हम लोग किसको लगा देते हैं, दैट को, 4 शब्दों का प्रयोग किया जाता है। वैसे मैं ज्यादा बहुत ज्यादा नहीं बताने वाला आज, दैट इफ, हाँ, वेदर, दैट इफ, वेदर और टू और इफ, ये 4 शब्द है। अब यहां पर देखिए, राम टोल्ड मी दैट, ये जो आई है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, राम, राम की जगह पर प्रोनाउन कौन सा आएगा, ही, राम ने मुझसे कहा था कि वह, अब ये हेयर है, ये हेयर कहां पर कन्वर्ट हो जाएगा, देयर में कन्वर्ट हो जाएगा, कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा। और ये जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। राम हैड, राम हैड गॉन, कम किस में बदल जाएगा, कम किस, सॉरी केम, यहां पर आने में ही बदल सकता है, तो कम को अपना अगर वहां पर, कौन में बदल जाएगा, राम वहां गया था, किसी दूसरी जगह पर ही बोलेंगे, उसी सेम जगह पर तो बोलेंगे नहीं ना, राम वहां पर गया था, मतलब कम किस में बदल गया, जाने में, गो में बदल गया। हेयर किस में बदल गया, देयर, मतलब है ना, हेयर जो था वो किस में बदल गया, हमारा देयर में बदल गया। राम हैड गॉन विथ, वर्ब क्यों नहीं होती चेंज, कम गो में बदल जाती है, गो कम में बदल सकती, सिचुएशन की डिमांड में रख के बोलते हैं। अगर यहां पर देखो सिंपल है कि मैं यहां पर आज मिला 12 तारीख को, ये कोचिंग के बाद यहां पर बात चल रही है, और यहां पर अब दूसरी बार मैं जिस व्यक्ति को बता रहा हूं ये बात, वो कहां है, मार्केट में है, तो मार्केट में क्या बोल रहा हूं, मैंने कहा वो वहां पर आया था, तो क्या है, वहां पर आया था, वो वहां पर गया था मेरे साथ, आया था वो किस में बदल जाएगा, गया था, समझ गए, वर्ब भी बदल जाती है, वो किस में बदल जाती है, ये सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए ही बदलती है, ऐसा नहीं हर बार बदलती है ना। और ये विद किसके, यू किस में बदल गया, किसके साथ गया था वो, ये मी यहां पर क्या है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में जाएगा वापस, तो किस में आएगा, मी में ही आएगा, अगर सब्जेक्टिव में जाता तो किस में बदलता,
लेकिन कहने का मतलब ये है, इस सेंटेंस में देखो यू किस में बदल गया, मी में, है ना, आई किस में बदल गया, ही में। जब हमें प्रोनाउन आते ही नहीं है, जब हमें सब्जेक्टिव का ऑब्जेक्टिव बदलना ही नहीं आता है, जब हमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पता ही नहीं है, तो क्या हम कभी नरेशन पढ़ सकते हैं? संभव ही नहीं है। समझ रहे हो, मेन पर्पस जो बताने का था वो ये था, नरेशन नहीं समझा रहा हूं मैं तुम्हें, मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूं वो क्या है कि अगर हमें प्रोनाउन आते ही नहीं है, जब हमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का मालूम ही नहीं है, तो हम बदलेंगे कैसे? समझ पा रहे हो बात को? इसलिए अब लोग क्या करना है, हम लोगों को जो पुराने जो चार्ट है ना उसको देखो, पुराने चार्ट को समझो जरा। अब इसको देखो, सब्जेक्टिव इस वर्ड को समझे, नॉमिनेटिव, नॉमिनेटिव वर्ड है ना वो कहां से आया है, नॉमिनेशन, किससे आया है, नॉमिनेशन। नॉमिनेशन का मतलब क्या होता है, चयन करना, जैसे बोलते हैं ना कि ये लोग नॉमिनीज हैं, है ना, सरपंच जी का चुनाव लड़ रहा है या कहीं कुछ भी हो रहा है, वोटिंग हो रही है, इलेक्शन हो रहा है, नॉमिनीज बोलते हैं, है ना। तो वैसे ही क्या है, नॉमिनेट वर्ब्स क्या है, नॉमिनीज यानी चयन, चयन किए। तो क्या है, ये ऐसे प्रोनाउन हैं जो किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के लिए क्या कर दिए गए हैं, नॉमिनेट कर दिए गए हैं, नॉमिनेट कर दिए गए हैं। मतलब ये जो प्रोनाउन है वो केवल और केवल सब्जेक्ट के रूप में ही प्रयोग किए जा सकते हैं। आई का मतलब क्या होता है, मैं, लेकिन तो मैं है ना, यहाँ पर आई का प्रयोग करें, ये किसी सेंटेंस में केवल और केवल कहाँ प्रयोग हो सकता है, सब्जेक्ट, ये कभी भी ऑब्जेक्ट में प्रयोग नहीं हो सकता। अगर मैं एज अ सब्जेक्ट प्रयोग किया जा रहा हूँ तो आई होगा, अगर मैं एज अ ऑब्जेक्ट प्रयोग किया जा रहा हूँ तो वहां पर क्या होगा, मी। अब यहाँ पर इसको रटना नहीं है कि मैं ही आना चाहिए, मैं जा रहा हूँ, राम मेरे साथ जा रहा है, यहाँ पर मेरी जगह पर क्या यूज हो रहा है, मेरा यूज हो रहा है, समझ कर रहा, अलग अलग जगह पर होगा, वह मुझको परेशान कर रहा है और यहाँ पर मुझको क्या है, वो मी है। समझ पा रहे हो बात को? तो इस चीज को तरीके से समझने की कोशिश करना, क्या है यहाँ पर, समझ रहे हो? तो ये वो प्रोनाउन है जो किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के लिए नॉमिनेट कर दिए गए हैं, और ये वो प्रोनाउन है जो सेंटेंस में किसके लिए प्रयोग कर दिए गए हैं, ऑब्जेक्ट के लिए प्रयोग कर दिए हैं। मतलब ये दोनों क्या है, ये दोनों तो क्या है, हमारे प्रोनाउन ही है, ये दोनों क्या है, हमारे प्रोनाउन है जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के लिए क्या कर दिए हैं, चयन कर दिए हैं। अब बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव के बारे में, पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन। यहां पर एक वर्ड है हमारे पास पजेसिव, पजेसिव वर्ड कम्स फ्रॉम पजेशन, पजेशन जो क्या करता है, अधिकार को दर्शाता है, किसको दर्शाता है, अधिकार को दर्शाता है, अधिकार को दर्शाता है, यहां पर एक वर्ड हो गया। दूसरा वर्ड है हमारा एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का क्या मतलब होता है, विशेषता बताना, क्वालिटी बताना, और एडजेक्टिव का मतलब इन जो जो शब्द यहां पर लिखे हुए हैं इनके अंदर इन दोनों की क्वालिटियां हैं, ये अधिकार भी बताएंगे और एडजेक्टिव का भी गुण है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, पजेसिव एडजेक्टिव। कैसे, एग्जाम्पल देख लो आप फटाक से जल्दी, देखो अगर मैं यहां पर बोलू ना कि एडजेक्टिव के बारे में एक खास बात होती है, मैंने कहा सीता इज गुड गर्ल, गुड गर्ल, तो इन एडजेक्टिव की खास बात ये होती है, जो एडजेक्टिव्स है ना वो हमेशा क्या है, नाउन के पहले प्रयोग किए जाते हैं। ऐसा ही होता है कि नहीं होता, एडजेक्टिव के अंदर एक गुण होता है, वो हमेशा कहां प्रयोग किए जाते हैं, नाउन के पहले ही प्रयोग किए जाते हैं, ये बात ठीक है क्या? और दूसरा ये क्या है, क्वालिटी बता रहे होते हैं कि जो सीता हो कैसी लड़की है, अच्छी लड़की है। अब यहां पर हम लोग इसको समझना, वैसे ही यहां पर देखो जो माय वर्ड है ना, ये क्या बताने वाला है, अधिकार बताएगा प्लस एडजेक्टिव बताएगा, यानी कि इसके अंदर दोनों गुण हैं। देखो कैसे, मैंने बोला दिस इज माय हाउस, दिस इज माय हाउस, अब क्या है यहां पर, ये जो बोल रहा हूं ना, ये मेरा घर है, मेरा घर है, तो ये जो माय क्या कर रहा है, पोजीशन बता रहा है, अधिकार बता रहा है, ये किसका है, मेरा है। जब मुझे मेरा अधिकार बताना हो, देखो यहां पर मेरा अधिकार बताना हो तो क्या यूज करेंगे, माय। तुम्हारा घर है तो क्या हो जाएगा, दिस इज योर हाउस। अगर मैंने कहा ये उसके मम्मी पापा हैं, दिस इज हिज पेरेंट्स, ये उन उसका घर है, दिस इज हिज हाउस। मैंने कहा ये उसका बैग है, लड़की का कोई बैग है, दिस इज हर बैग। ये उसके पेरेंट्स है, दिस इज हर पेरेंट्स, है ना। और यहां पर क्या है, इंडिया इज अवर कंट्री, इंडिया इज अवर कंट्री, तो यहां पर अवर क्या है, हमारा देश है, दिस इज आवर टीम। समझ पा रहे हो ना, दिस इज आवर क्लास, यहां पर क्या है, उनका है, एक से ज्यादा है उनका, तो क्या बोल रहा हूं, दिस इज देयर हाउस, दिस इज देयर बिजनेस, ये उनका क्या है, बिजनेस है। तो यहां पर ध्यान रखें, यहां पर ये सामने जो लिखे हुए हैं वो क्या है, उन्हीं का अधिकार बता रहे हैं, और लास्ट में क्या है, इट्स, इट का मैंने तुम्हें बताया था कि ये उसका है। जैसे एक पेन का एग्जाम्पल ले सकते हो आप, पेन में जो कैप होता है वो किसका होता है, पेन का होता है। मैंने कहा था कैप इज मीन्स दिस इज इट्स कैप, तो किसका कैप है, इसका कैप है। समझ पा रहे हो बात को? अब यहां पर क्या है, ये देखो जो माय हाउस लिखा हुआ है हमारा, यहां पर क्या है, माय जो वर्ड, एक तो वो क्या कर रहा है, पोजीशन बता ही रहा है, बता रहा है कि नहीं बता रहा है, पोजीशन बता रहा है,
दूसरा क्या कर रहा है, ये हाउस के पहले प्रयोग किया गया है, इसका मतलब ये क्या है, इसके अंतर्गत एडजेक्टिव का भी गुण है, इसका गुण है एडजेक्टिव का भी गुण है, एक चीज आ गई। दूसरा क्या है, ये अधिकार भी बता रहा है साथ साथ में, मतलब इसकी एक क्वालिटी कैसा है, ये घर किसका है, मेरा है, तो पूरा एडजेक्टिव का भी गुण आ गया। हाँ, एडजेक्टिव का मतलब है कि इसके अंदर जो अभी एक पजेसिव प्रोनाउन है ना, उसको बताऊंगा तब भी ये क्लियर हो जाएगा, आगे ये क्लियर हो जाएगा तुम्हारा एडजेक्टिव तो आ रहा है। देखो फटाफट देखो, पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन, अब यहां पर इन दोनों के बीच में टक्कर होता है कि इनको अलग से क्यों कर दिया, ये भी तो वही है, अधिकार सेम बता रहे हैं, सेंटेंस सेम होगा, हर चीज अर्थ सेम होगा, दोनों चीजें सेम होंगी। देखो कैसे, ये जो सेंटेंस मैंने लिखा ना, दिस इज माई हाउस, इसी को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, मैं दिस हाउस इज माइन। अब मुझे ये बताओ इन दोनों सेंटेंसों के अंदर क्या डिफरेंस है, सेंटेंस का जो अर्थ है ना वो सेम ही निकल रहा है, ये मेरा घर है, सेंटेंस का अर्थ क्या है, सेम ही है, लेकिन डिफरेंस क्या है, माय क्या हो रहा है, नाउन के पहले प्रयोग किया जा रहा है, और ये जो माइन है वो नाउन के बाद में प्रयोग किया जा रहा है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, कि ध्यान रखना जो पजेसिव क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है, इनके बाद हमेशा नाउन का आना कंपलसरी होता है, मतलब इनके बाद नाउन आना ही आना चाहिए, जो एडजेक्टिव का गुण है, एडजेक्टिव कहां प्रयोग किए जाते हैं, नाउन के पहले प्रयोग किए जाते हैं, समझ पा रहे हो, इनके बाद क्या आना जरूरी है, नाउन का आना जरूरी है, इसका मतलब चाहे तो इनको रिपीट करके बोल लो ये नाउन के पहले प्रयोग किए जाते हैं, चाहे ऐसा बोल दो ये इनके बाद आना नाउन का आना कंपलसरी है, ठीक है। और पजेसिव प्रोनाउन में क्या डिफरेंस है, कि इनके बाद कभी भी नाउन नहीं आ सकते, क्वेश्चन इन दोनों से दे दिया जाता है, क्या माइन के बाद आपको नाउन लगाकर दे देंगे, या फिर क्या कर देंगे, पजेसिव एडजेक्टिव के बाद में से क्या है, नाउन हटा देंगे, तो दोनों के बीच में डिफरेंस केवल इतना है कि दोनों ही अधिकार बताने के काम आते हैं, ये पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन दोनों ही अधिकार बताने के काम प्रयोग आते हैं, इनके बाद हमेशा नाउन आना चाहिए और इनके बाद कभी भी नाउन नहीं आना, समझ पा रहे हो, ये इनका मेन डिफरेंस है, ठीक है कि नहीं है, समझ में आया, और इस पे हम लोग क्या है कल डिस्कस करेंगे, ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन हमारा खत्म होता है, ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।